नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिशु की दुनिया चैनल पर। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि 5 वीक्स में अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, योक्सेक नॉट विजुअलाइज्ड। मेरा योक्सेक भी नहीं दिखा था प्रेगनेंसी में। नो डेफिनेटिव फीटल पोल सीन एट द टाइम ऑफ द स्कैन। सो आप देख सकते हैं फीटल पोल भी शो नहीं हुई थी, योक्सेक भी नहीं दिखा था। पीओडी इज क्लियर, पीओडी भी क्लियर था, इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड। ये तो प्लस पॉइंट था मेरे साथ कि इंटरनल ओएस क्लोज्ड थी। और एलएमपी की मेच्योरिटी देख सकते हैं आप, 6 वीक्स 2 डेज़ थी। मतलब कि एलएमपी मेरी लास्ट एलएमपी से जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी होनी चाहिए थी 6 वीक्स एंड 2 डेज़। बट एक्चुअल जो बेबी की एज आई थी, वो मेच्योरिटी आई थी बेबी की, वो आई थी 5 वीक्स और 2 डेज़ सिर्फ और सिर्फ। मतलब आप देख सकते हैं मेरी प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली 1 वीक का डिफरेंस था। 5 वीक्स 2 डेज़ की मेरी प्रेगनेंसी आई थी और एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरी 6 वीक्स एंड 2 डेज़ की प्रेगनेंसी होनी चाहिए थी। तो एलएमपी में डिफरेंस होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। हो सकता है कि आपके 2 हफ्ते का गैप हो प्रेगनेंसी में, हो सकता है 3 हफ्ते का गैप हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले इस चीज़ से। जैसे कि मेरी एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरी जो बेबी की एज थी वो होनी चाहिए, प्रेगनेंसी जो थी वो होनी चाहिए थी 6 वीक्स एंड 2 डेज़। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 5 वीक्स और 2 डेज़ ही आया है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन थिंग जो देखी जाती है प्रेगनेंसी में, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, चाहे आपकी 5 वीक्स की प्रेगनेंसी हो 6 वीक्स की हो, उसमें देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में बेबी कितने कंसीव हुए हैं, एक हुआ है या ट्विंस हुए हैं। तो मेनली तो यही देखा जाता है। और दूसरी चीज़ देखा जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी चल रही है वो कहाँ पर डेवलप हो रही है, लाइक बच्चेदानी में हो रही है या ट्यूब में डेवलप हो रही है। क्योंकि अगर आपकी ट्यूब में जो ओवरीज होती हैं वहाँ से निकलकर ट्यूब में अगर आपकी प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी होती है, ये मायने नहीं रखता है कि आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है। मायने ये रखता है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर डेवलप हो रही है, यूट्रस में है या वो ट्यूब में डेवलप हो रही है। तो यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर ट्यूब में डेवलप हो रही होगी तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। समय रहते अगर वो यूट्रस तक पहुंच जाती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, बट अगर वो ट्यूब में ही डेवलप हो रही होगी तो आपके लिए ये रिस्की हो सकता है। आपके अबॉर्शन के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्यूब में जब प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होगी तो सोचिए यूट्रस में डेवलप होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट ट्यूब में डेवलप होना, वो आपकी ट्यूब फट सकती है, आगे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं 5 वीक्स 6 वीक्स प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में, बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं, बेबी कहाँ पर कंसीव हुआ है, ट्यूब में है या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। बेबी की एज का पता चल जाता है, बेबी की मेच्योरिटी का पता चल जाता है, बेबी की एलएमपी और एक्चुअल एज में डिफरेंस पता चल जाता है कि कितने टाइम का गैप है, फीटल पोल सीन हुई है या नहीं हुई है, प्लेसेंटा आगे कहाँ पर डेवलप होगा। यही सारी चीज़ें डॉक्टर को देखनी होती हैं। मेनली होता है कि बच्चा ठीक है, कहाँ पर कंसीव हुआ है, कहाँ पर डेवलप हो रहा है। होपफुली आज की आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। बाय बाय।